तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। तो भैया ऐसा है कि हम ही तो है जो पूरे जर्जपुल का सर पे चढ़ के बैठे हैं। नहीं नहीं भैया, छोटे बड़े हर कंटेनर पे हम ही तो रहते हैं। क्योंकि देखो भैया, हमने ना थोड़ा सा बदलाव लाया है इसमें, ठीक है। ये जो डायलॉग है इसमें हम थोड़ा सा बदलाव लाया है, मतलब मैंने लाया हूँ। तो भैया ऐसा है कि हम माल हैं, खोपड़ी की खाल है, भेजी की ढाल है। अगर मिल गए तो कमाल है, और नहीं मिले तो जिंदगी भर का मलाल है। नहीं नहीं भैया, हम कोशिश कर रहे हैं भैया, हम धीरे धीरे ये जो डायलॉग है इसको पूरा बदलने का कोशिश कर रहे हैं। हम पूरे बदलाव लाएंगे इसमें। हम उम्मीद करते हैं, हम आशा रखते हैं कि हम इसको, इस डायलॉग को पूरी बदलाव दे सकेंगे। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं बिना किसी माल के। हाँ भाई, बिना माल के आज स्टार्ट करें। तो इसी के साथ हम जोधपुर आ गए, और आते ही तो भाई जो फाइट हो रहा है ना, पूछना। और भाई पहले जो बदलाव थोड़ा करके लाया हूँ, भाई बदलाव लेते आएंगे हर रोज, ठीक है। तो भाई बताना कमेंट सेक्शन में कि ये जो थोड़ा सा बदलाव किया है डायलॉग का, कैसा लगा है। अगर अच्छे लगे तो मैं कंटिन्यू करूँगा बदलाव, और नहीं लगे तो भाई फिर तो हम माल से बाल बन के रह जाएंगे जॉर्जपुल का। तो भाई इसी के साथ, बंदे तो बहुत थे यहाँ पे, और मैंने भाई ये 50,000 ठोकने वाला ड्रेस चोरी कर लिया एक बंदे से। भाई ने कितना ही यूसी खर्च करे होंगे इस ड्रेस को लेने में। तो भाई मैंने तो ना चोरी कर लिया, और इधर ये बंदा शॉर्ट गन से मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है। अबे बंदर सी शक्ल की, तू पहले भाई तू पहले एक काम कर भाई, ठीक से तू एयर चलाना सीख ले, के बाद शॉटगन चला ले। क्यों भाई, जिंदगी से परेशान था ये बंदा। भाई शॉटगन लेके इधर उधर देख रहा है, भाई ये कोशिश कर रहा था मेरे को मारने का, लेकिन भाई ने लगा नहीं पाए सुसाइड। तो इसी के साथ इनका आखिरी बंदा आता है, वो भी नंगा, उसके पास भी कुछ नहीं होता है, ये रिवाइव देने के लिए बैठता है, जो कि बहुत गलत था। और मैंने इन लोगों को मार दिया, और सामने होते हैं और एक स्क्वाड, तो चलिए उनको भी ठिला के आता है। तो भैया ऐसा है कि हम धीरे धीरे करके जॉर्जपुल का माल होने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जॉर्जपुल के माल हम ही बनेंगे। बाय द वे इसी के साथ भाई ये स्कॉट को तो भी मार दिया, और इसी के साथ एक दो बॉट आता है यहाँ पे, उन लोगों को भी मार दिया। और भाई इसके साथ मेरे पास यहाँ पे होती है, मतलब एमओ ज़्यादा नहीं होता है। और उसके बाद मेरे को लगता है कि भाई अपुन ही तो है जॉर्जपुल का माल, मतलब माल। और इसी के साथ अपुन तो भाई जॉर्जपुल क्लियर कर दिए, लेकिन हम गलत थे भाई, यहाँ पे और भी बंदे थे, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। यहाँ से भाई 16 किल करके मैं निकलता हूँ, ठीक है। बहुत बंदे होते हैं, फिर अभी भी 3 बंदे होते हैं, तो उसमें से एक बॉट होता है और 2 असली बंदे होते हैं। और यहाँ पे जो बॉट आया था, आया मतलब आएगा अभी, वो मेरे को जो मदद किया है ना भाई, बस आगे देखो। तो भाई इसी के साथ मैं जब यहाँ पे आता हूँ कंटेनर पे लूटने, तो मेरे को पता चल जाता है कि इधर वायर हाउस पे से एक बंदा गोली चला रहा है। किसको मार रहा है पता नहीं, लेकिन वो बंदा डिस्प्रेशन में जब उसको मार नहीं पाया तो बाहर आ गया उसको मारने के लिए, ठीक है। तो उन भाई को तो मैंने नॉक कर दिया, और नॉक करते इनका टीम मेट कहीं और ही देख रहा था, मतलब इसका इसका जो टीम मेट था जिसको मैंने नॉक किया था पहले, वो इस भाई को बोल रहा था कि बंदे भाई मेरे सामने हैं। मतलब ये बहुत मेरे को बहुत आसान कर दे इन दोनों को मारने, क्योंकि भैया हम जॉर्जपुल का माल है। तो इसी के साथ ये दोनों को भी खिलाएंगे अभी, बिल्कुल फिलहाल ज़रूर खिलाएंगे भाई। और इन दोनों को खिलाने के बाद जॉर्जपुल हो जाता है खाली। तो भैया कुल मिलाकर बात ये है कि हर एक पबजी लवर के दिल में हमारा बहुत बड़ा हाल है, क्योंकि भैया हम जॉर्जपुल का माल है। तो भैया इसी के साथ चलो लूट करके निकलते हैं यहाँ से। तो भैया इसी के साथ हमने तो जॉर्ज पुल क्लियर कर दिया, और उसके बाद हम आ गए पोचिंग की में।
और यहाँ पे मेरे को बंदे मिलता है, तो बंदे दिखते मैं पटाक से कार घुमा दो, क्योंकि हम है भाई जॉर्ज पुल का माल। तो भाई अगर ये स्क्वाड वाइप आप लोगों को अच्छा लगे ना भाई, मतलब बस कुछ ही सेकंड में स्क्वाड वाइप कर दिया, कुछ ही सेकंड में, ठीक है, मतलब ज़्यादा भी टाइम नहीं लिया, बस कुछ ही सेकंड में स्क्वाड वाइप कर दिया। अगर अच्छे लगे तो भाई लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल पे नया हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो अच्छे लगे तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो इसी के साथ यहाँ पर मार दिया, और सामने से भी फाइट हो रहा था तो मैंने उधर गया था, उसके बाद मैंने को उधर बंदे नहीं दिखा था तो मैं उधर से भी निकल गया और जाके कहा गया मैं, यह सबसे बड़ा बात, क्योंकि जॉर्ज पुल के माल हो भाई मैं, और जॉर्ज पुल तो खाली कर दिया, और उसके बाद आके पोचिंग के भी खाली कर दिया, और उसके बाद गए तो गए कहाँ मैं, चलिए देखते हैं। और भाई उसके बाद हम घूम फिर के यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे ना बंदे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे होते हैं बंदे, मतलब दो बंदे होते हैं यहाँ पे, और इधर से मैं सोच रहा हूँ कि बंदे को, मतलब दो बंदों को मारूँ तो मारूँ कैसे। पहले मैं घर के अंदर गया, और उसके बाद मेरे सामने ही बंदा है, मैं नेट करने की कोशिश कर रहा था, नेट लग भी जाता भाई को, ठीक उसी टाइम आता है एक कार पीछे से, और एक कार के आवाज़ सुनते ही ओ भाई यहाँ से हट जाता है और साइड वाले कमरे पे चले जाते हैं। और जैसे मैं और एक नेट करने की कोशिश करता हूँ, सामने वाला जो एक कार आता है उसमें एक ही बंदा होता है, वो इन दोनों पे रश कर देता है, तो ये लोग इसी के साथ घर से कूद जाता है और सामने चले जाते हैं। तो मैं भी मारने के लिए गया सामने, और इतने में जो अकेला बंदा था वो इन दोनों में से एक को नॉक कर देता है, जिसको मारने के लिए मैं पहले से आया था। तो मैं देखता हूँ कि भाई वो अकेला बंदा किधर टिप ले रहा है, तो उसको तो मैंने ग्रेनेड से फोड़ दिया, क्योंकि भाई देखो हम है जॉर्ज पुल का माल। और उसके बाद बचे इन दो बंदों, जिसको मारने के लिए मैं पहले रुका था। तो मैं इधर से जब टिप लेता हूँ, मेरे को दिखता है, और भाई साहब जब इनको मैं मारा भाई, अगर मेरे को पता चलता ना कि ये रिवाइव नहीं किया अपने टीममेट को, तो मैंने पहले रिवाइव जिसको नहीं किया था उसको मार के किल लेता, उसके बाद इसको मारता, क्योंकि भाई देखो इसको मारा भाई, जो नॉक था वो भी मर गया, क्या फ़ायदा भाई ऐसे। तो इसी के साथ इधर हो जाता है खाली, और बंदे भाई बहुत थे अभी भी, लेकिन बात ऐसा नहीं था कि हम ज़्यादा किल ले लें, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ जो बहुत खतरनाक दर्दनाक हुआ था। हम इधर से जा रहे थे घूमते फिरते भाई, इधर बहुत मतलब कार लगा के बंदे किधर ही देख मतलब चले गए, ठीक है, तो ढूंढ रहा था बंदे में, और बहुत ढूंढने के बाद मेरे को आखिर में दिखता है बंदा। हाय हाय भाई, ऐसा मौत भगवान किसी को ना दे भाई, दो कारों के बीच में आके अपना सब कुछ गवा दिया इस बंदे ने। इस बंदे के लिए तो भाई बुरा ही लगा भाई, बहुत बुरा लगा इन बंदों के लिए। और उसके बाद इधर आता हूँ, इधर होते हैं बंदे, और इधर पे जब आता हूँ तब मेरे को क्या मतलब मेरे को क्या पता था कि भाई इधर आने में बहुत खतरा है, क्योंकि मैं जब मारने के लिए गया ओ भाई मारो मुझे, तो भाई इधर मैंने अपना मुंडे दिखा के जो गलती किया ना, आप लोग मत करना, पहले देख लेना बंदे कहाँ पे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।